हेलो फ्रेंड्स। सो जो 12th BPS साइन हुआ उसमें पता ही होगा आपको कि जो कि लड़की प्रोफाइल चेंज कर दी गई है टोटली, एंड उसमें कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया गया कि आपको जो आपकी 11 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उसको 67 बढ़ा दिया गया है। पासिंग पावर जो 20,000 होती थी उसको 50,000 कर दिया गया है। 20,000 क्या, SWA की जो पावर होती थी वो 10,000 होती थी तो उसको 50,000 मतलब 5th टाइम बढ़ाया गया है। SWA की पोस्ट खत्म करके कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया है, जो कि SWA SWB मर्ज करके, एंड जो सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट है उसको हेड कैशियर की जगह रिप्लेस किया गया है। स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो कि हो गया स्पेशल असिस्टेंट, एंड जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं सब स्टाफ की उनकी ये पोस्ट कर दी गई है। और जो स्पेशल पे इंक्रीज होना चाहिए था उसमें 100-200 रुपये इंक्रीज करके इन्होंने 10 गुना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब यहाँ पे देखते हैं पासिंग पावर, मतलब 50,000 तक आप सिंगल हैंडली क्लर्क पास कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी ब्रांचें हैं जहाँ पे क्लर्कल को कम से कम 150 से 200 वाउचर पर डे झेलना होता है, उसमें भी अगर 50,000, क्योंकि डायरेक्टली 50,000 अगर पास हो जाएगा, मैक्सिमम वाउचर 50,000 के अंदर ही होते हैं। कुछ वाउचर जो होंगे 50 लाख 50,000 के या 1 लाख 2 लाख के ऊपर के होते हैं, बाकी आपको सारा अपने रिस्क पे करना होगा। क्योंकि करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि इतना रस रहता है ब्रांचों में और आप डायरेक्टली पावर इतना इंक्रीज किए हो उसके यहाँ पे आपने स्पेशल पे भी कुछ नहीं ऐड किया है, दिक्कत ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 कैश पासिंग डायरेक्ट हो सकती है और कस्टमर सर्विस एसोसिएट से, एंड DD वगैरह आप प्री साइन DD आप कैश से दे सकते हो जो ऑफिसर के साइन होंगे उसमें, एंड पासिंग क्लियरिंग आप 1 लाख तक कर सकते हो, 1 लाख तक आप ट्रांसफ़र हो सकता है पासिंग थ्रू क्लर्क, मतलब एक अगर CSA है दूसरा CSA मिलके 1 से 2 लाख पास कर सकते हैं। पासिंग वाउचर CS जो कैश में है उनके थ्रू आप 1 लाख से 2.5 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जो स्पेशल CSA जो बनाई गई है उसके थ्रू आप 4 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। सीनियर कस्टमर एसोसिएट उनका भी आप देख लो, 50,000 पेमेंट का है, 50,000 प्री साइन DD का है, और ये लगभग लगभग शेप। और सीनियर कस्टमर एसोसिएट जो हैं उनके थ्रू 1 लाख तक आप पेमेंट कर सकते हो कैश में, 1 लाख रुपए पेमेंट डायरेक्ट बाई क्लरिकल। जब आप कैश में मतलब मेकअप चेकर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हो, मतलब 1 लाख तक डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये छोटी छोटी क्यों फिर क्यों बनती हैं जो CVS में बनती हैं, तब डायरेक्टली सिंगल हैंडली कर दो ना। मतलब ऑफिसर जो इतनी क्यों बनाते हैं, अमेंड का भी क्यों बनेगा, आप आधार अमेंड कर रहे हो तो क्यों बन रहा है, आधार मोड ऑपरेशन चेंज कर रहे हो तो क्यों बन रहा है, जब जिसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व है उसमें आप सारी क्यों लिमिट कर दियो, मेकअप चेकर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहे हैं, तो अदर जो बैंकिंग में काम होता है उसमें भी सिंगल हैंडली कर दो, तो पता नहीं क्यों इनका अलग ही फंडा चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर चीज़ें, कैश रिसिप्ट जो होगा 2 लाख रुपये तक हो जाएगा, एंड मैक्सिमम 4.5 लाख तक ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पे मेनली बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लेकिन मतलब कितनी सारी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज गई है क्लरिकल के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इंक्रीज नहीं करना चाहिए, बस हिसाब से अलाउंस भी तो मिलना चाहिए ना क्लरिकल को। अब इससे क्या इशू होगा, वो यूनियन बोलते हैं कि टाइम तो आपका फिक्स है ना, बट इशू क्या होता है ना ब्रांचों में, जो ब्रांच में काम करता है उसको पता चलता है कि कस्टमर आपको काम देके जाएगा, ये सारे काम आपको बोले जाएंगे कि आपको ही लेने हैं, तो जो आप फ्रंट काउंटर पे बैठते हो और फ्रंट काउंटर पे जब कस्टमर आता है तो वो ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके सामने आपको देके जाएगा, जब आपको देके जाएगा तो आप कैसे नेक्स्ट डे उसको डिनाइट कर दोगे कि आपका काम नहीं हुआ, आप ये बोल दोगे कि ये मेरा काम नहीं था, मेरा टाइम हो गया था, मैं चला गया था। ये सारी चीज़ें इश्यू होती हैं, फिर वहाँ पे ऑफिसर सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली काम हो गया आपका, तो आप को ऊपर से भी बोला जाएगा कि आपको ही करना है, तो आप वर्किंग टाइम के अंदर कैसे कर पाओगे इसको, तो ये आप पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा ना। कहने को होता है कि 6.5 घंटा, लेकिन कौन निकल पाता है 6.5 घंटा, अगर ये ऑफिशियली अगर वर्क काउंटर पे कैशियर बैठ रहा है या वो CSA बैठ रहा है जिन्होंने पोस्ट क्रिएट की, हाउ कैन वी मैनेज, वो 6.5 घंटा में इतने सारे काम कैसे करेगा, स्टाफ शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा है। अब तो ऑफिशियल भी बोलेंगे ये आप ही का काम है तो आप ही को करना होगा। तो मेनली हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्रीज की गई हैं, बाकी काम करने में किसको इशू है, काम तो करना ही है, लेकिन और इसके बाद भी कोई भी एक्स्ट्रा पे इंक्रीज नहीं किया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी इंक्रीज करने के बाद में यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक्स्ट्रा डिमांड कर पाए, कैसे, मतलब हद होती है। यहाँ पे देखो
अटेंडिंग टू कस्टमर अक्रॉस द काउंटर और रूटीन क्लरिकल वर्क अदर देन सुपरवाइजरी वर्क एक्सपेक्ट एक्सेप्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हियर। यहाँ पे मतलब जो वर्क है लिखे हुए हैं, मतलब सुपरवाइजरी वर्क के अलावा बाकी आपको वाले सारे वर्क तो करना है एंट्री लेवल पे। रिसीट ऑफ चेक ड्राफ्ट डिविडेंड ये सारे काम करना है। इसको आप देख सकते हो एक बार, मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। जनरेशन ऑफ सिविल रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेज की गई है। पीपीएस एंट्री, मतलब जितने भी काम होते हैं जो मेनली ऑफिसर करते थे, जो अदर देन बीएम एबीएम होते थे, थर्ड ऑफिसर या एबीएम, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है। और जो आपके काम है वो आपके हैं, क्योंकि कस्टमर ईकेवाईसी सीकेवाईसी बहुत सारी भीड़ होती है, तो ये सारे काम एक साथ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आप फ्रंट काउंटर पर बैठे हो, कस्टमर आपको देखे जाएगा, तो नेक्स्ट डे आपसे ही पूछेगा। फॉलो अप विद कस्टमर फॉर रिकवरी ऑफ लॉकर फी ओवर ड्यू बाई मेल, ये सारी चीज़ें मेल वगैरह फ़ोन वगैरह ये सब क्लरिकल स्टाफ को दे दिया गया है। फीडिंग अपलोडिंग डिटेल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल लोन प्रपोजल, वर्किंग ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट पहले क्लरिकल का रोल नहीं होता था, ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने बोल दिया। इन डेडिकेटेड एंड एक्सक्यूटिव कैश काउंटर देयर शैल बी नो लिमिट फॉर एक्सेप्टिंग कैश, वो तो पहले से होता था। ये सारी आप प्रोफाइल देख सकते हो। अब आप काम करते हो तो आपको अपनी प्रोफाइल पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम पकड़ा दिया गया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे। CSA, यहाँ पे एक नोट है, CSA में बी यूटिलाइज फॉर असिस्टिंग टू अकंपनी फॉर एन ऑफिसर टू रिकवरी ऑफ लोन आउटसाइड द ब्रांच ऑफिस सब्जेक्ट टू रिमबर्स ऑफ कन्वेंस एक्सपेंस ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस एंड ओवर टाइम वेज। कस्टमर सर्विस में बी यूटिलाइज एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेस मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग भी करवाएंगे ये। अब मतलब फीडिंग का काम क्लर्कल का होता है, आप मार्केटिंग का काम भी दे रहे हो, हाउ कैन, मतलब फीडिंग में इतना टाइम लगता है, पासिंग इजी होता है, आप करके सारी चीज़ें सिस्टम में फीड करोगे कितना टाइम लगता है। इन्होंने सिटी के हिसाब से पूरा कर दिया, सिटी में हो सकता है क्लर्कल के पास काम होता होगा, बट अगर रूरल ब्रांचों में जाओगे तो बहुत ज़्यादा हैवी रश होता है। बैंक में यूटिलाइजेशन एक्सक्लूटिव मार्केटिंग वर्क टीम डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रांच ऑफिस प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फैसिलिटी लाइक रिमबर्स ऑफ कन्वेंस एंड अदर प्रोवाइड इन क्लॉज, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं काम के मामले में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी क्लरिकल को एंट्री कर दिया गया। CSA में भी आस्क टू वर्क एज अ मेकर इन इनवर्ड रेमिटेंस आउटवर्ड रेमिटेंस रिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स लेटर ऑफ क्रेडिट लॉजमेंट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल व्यू शिफ्ट क्रेडिट एंट्री एंड सेंडिंग इंटीमेशन ऑफ द सेम। IT डिपार्टमेंट के लिए लिखा, IT डिपार्टमेंट टेक ड्यूटी दैट आर डन बाय RCC एंड हेल्प डेस्क लाइक रनिंग अ पैच प्रोग्राम मेंटेनिंग रिकॉर्ड हार्डवेयर एम्प्लॉय विथ क्वालिफिकेशन ऑफ BCA, तो ये सारी ड्यूटी इंक्रीज की गई हैं। यहाँ पे आप सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब जो कैश काउंटर में देखेंगे उनके लिए लिखा हुआ है। ये सारे कैश के काम होंगे, लोडिंग रिप्लेसमेंट कैश इन ऑन साइड ATM, कैश रिसाइकल मशीन और अदर सिमिलर मशीन ड्यूरिंग ऑफिस आवर जॉइंटली विद स्पेशल CSA ऑफिसर, मतलब कैश अनलोडिंग वगैरह का काम, रिसाइकल, ये सारा कैश को पकड़ा दिया है। कि इन्होंने देखा ही नहीं कि रूरल ब्रांचों में कैशियर को कैश करते करते 5-6 बज जाते हैं, इतनी ज़्यादा पेमेंट होती है। वेरिफिकेशन ऑफ वर्नाकुलर सिग्नेचर एंडोर्समेंट काउंटर साइन चेक ड्राफ्ट ये सारी चीज़ें दी। अटेंडिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी वर्क डिस्चार्जिंग एंडोर्समेंट बिल, मतलब कैसे बेचारा कैसे करेगा इतने काम। और ड्यूटी ऑफ स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो यहाँ पे सारी ड्यूटी इसमें लिखी हुई है, इसको आप देख लो, बाकी मैं इसकी PDF शेयर कर दूँगा ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ड्यूटी ऑफ सबॉर्डिनेट स्टाफ, जो कि सब स्टाफ होते थे, तो उनकी भी ड्यूटी इंक्रीज की गई है। यहाँ पे मेनली जो बात करते हैं पावर की, कि मतलब आपने इतना पावर इंक्रीज किया, इतनी ड्यूटी रिस्पॉन्स इंक्रीज की, उसकी बिहाफ पे क्लर्कल को दिया क्या है। अगर आप देने की बात करोगे ना, तो क्लर्कल को क्या मिला है, जो SWA OB होता था उसकी पोस्ट खत्म करके आपने एक पोस्ट बनाई CSA में, जो कि 1680 रुपये मिलेंगे,
वो भी जो पहले मिलते थे 1280 के आसपास या 1240 के आसपास, उसको बढ़ा के 1680 बढ़ा के नहीं, उसमें डीए मर्ज करने के बाद 1680 हुआ, और उसमें सिर्फ 290 रुपये उन्होंने बढ़ाया है, और 290 रुपये में 290,000 290 काम ऐड कर दिए हैं। सीनियर हेड कैशियर को 445 रुपये, और स्पेशल एसोसिएट जो होते थे, जो कि स्पेशल असिस्टेंट होता था, उनका 3925 जो कि हुआ था स्पेशल पे, उसको बढ़ा के 4900 कर दिया गया, मतलब 975 रुपये बढ़ाया है। इतना कम अलाउंस बढ़ाने के साथ में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। ये जो हमारे पेंशनर जो है रिटायर्ड, इनको इतना भी समझ में नहीं आया कि क्लरिकल वैसे भी ओवरलोडेड है, इतना काम इंक्रीज करने के बाद क्या ब्रांच में हाल होगा। अब तो ब्रांच में बस यही है ना, क्लरिकल ऑफिसर होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहस होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है कि अगर लोग बोलते हैं कि 6.5 घंटे में क्लर्क जा सकता है, जा कैसे सकता है, जब वो कस्टमर ने उसको काम दिया है तो रख के कैसे चला जाएगा। चीज़ें जब तक सपोर्टिव नहीं होंगी ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा पे भी इंक्रीज नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों। और अब आप लोग ट्विटर ज्वाइन कर सकते हो, कुछ लोग हम मतलब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं ट्विटर स्पेस पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मौका मिलेगा। और जो क्लरिकल के यूनियन हैं, कोर्ट केस वगैरह करने को सोच रहे हैं, मतलब यूनियन नहीं सॉरी अदर लोग, कि इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि एक अब तो ये साइन हो गया है, बट फिर भी क्योंकि जो यूनियन जो बीपीएस साइन होता है वो मेजोरिटी यूनियन द्वारा साइन होता है, बट अप्लीकेबल सब पे नहीं होता। अगर माइनॉरिटी यूनियन या फिर अदर जो उस पर अथॉरिटी साइन नहीं है करते हैं तो उन पर अप्लीकेबल नहीं होता। तो इस पर डिस्कशन होता है, तो आप भी एक्टिव हो सकते हो, अपना विरोध जता सकते हो। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि 12th BPS के विरोध में बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। जैसे गोरखपुर जोन में एक मामला आया था, गोरखपुर में बहुत वेंकटाचलम जी का और इनका पुतला जलाया गया, अभी उसका यूओबीयू का। तो इस तरह से आप विरोध प्रदर्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप अगर आप क्लरिकल में हो तो हैप्पी नहीं होगे, क्योंकि काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपने जिस हिसाब से काम इंक्रीज़ किया उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज़ नहीं की है क्लरिकल की। और आपने देखा होगा कि जो टोटल सैलरी इंक्रीज हुई है क्लरिकल की, उसमें जो 70% हाइक की बात की जा रही थी, अगर ग्रॉस देखोगे तो आप 15% भी टच नहीं कर रहा है। तो अगर एक शब्द में कहें 12th BPS डिजास्टर्स है क्लरिकल के लिए। और जो हमारे CHV हैं वेंकटाचलम जी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के सेटलमेंट साइन किया है, जो कि बहुत गलत किया है। थैंक यू दोस्तों।